लेकिन फिर दूसरे के नाम अलर्ट किया जाता है जाता है। एक मिनट जर्जर अवस्था में था तो उसमें पूरा पुलिस ऑफिस नहीं उसके बाद हम पुलिस बन जाएंगे। पहले आर्मी देखेंगे आपकी मैगजीन देखेंगे उसके बाद हम आर्मी वापस चलो उनके सेक्शन में देखेंगे फिर हम ठीक है मैम। पर वो ये कहते बस तुम्हारा प्रूफ क्या है तुम ये चाहते हम लोग को एक आईडी कार्ड मिल जाए जिससे हम लोग भी कैसे पुलिस विभाग में एक विशेष पुलिस अधिकारी का पोस्ट होता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ और उसका हम लोग बहुत पुराने समय से बहुत गंभीर कठिनाइयों की परिस्थितियों में भी उसका हम बिल्कुल गलत होते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है बहुत अच्छा खेती जी हमें बहुत जोरदार बात मैं खड़ी हूँ। मेरा कोई नेता नहीं मेरा आपका नाम क्या मेरे पास नहीं पावर था नहीं पैसा मेरे पास। मेरी बेटी को मेरी दीदी ने घर दिलाया चार दिन बाद बच्चा दीदी वहाँ से गांव से लेके और दीदी ने दिलाया मेरा अधिकार मेरी बेटी को दिलाया। धन्यवाद थैंक यू। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो घरेलू हिंसा है इसको किस तरीके से रोका जाए। मैंने देखा है मेरे घर के सामने ही है कि वो इतना अधिक करके लड्डू की दुकान है बेचारी महिला जो है लड्डू की दुकान पे बैठती है। भाई है ये किसी रिश्तेदारों के सड़क चलते अगर किसी महिला को कोई आदमी पीट रहा हो तो फिर खड़ा हो जाएगी पूछेगी क्यों पीट रहे हो पुलिस बुलाओ। लेकिन जैसे ही वो पता चलेगा कि पति का पीठ छट जाएगी कहेगी कैसे ठीक है पति पत्नी के बीच का मामला। इस सामाजिक स्वीकार्यता को जैसे आपने कहा हमें मालूम है कि हमारा के साथ जीना उसका मौलिक जीवन का एक मौलिक अधिकार है। जब तक हम ये अपने समाज में जागरूकता नहीं फैला पाएंगे इसको केवल और केवल पुलिसिंग के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता। और यही पर आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है पुलिस विभाग के कलर्स के जरिए भी आप लोगों के भी जरिए हम लोग इसकी स्ट्रेटेजी बना के कार्य योजना बना के लागू कराएंगे कि एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि ये जो हो रहा है महिला सुरक्षा समितियों को लेके मिशन शक्ति अभियान जो भी हम लोग करते हैं उसका एक बुरा है। मैं इसी तरीके से उसके नहीं भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। ठीक है थैंक यू।
तभी हम इसे बोल का वास्तविक उपयोग होता है। हाँ जी बता, प्लीज बता। आपके नाम क्या है? नाम मेरा रंजना जी। वंदना। रंजना जी। रंजना, आप कहाँ से आएंगे रंजना जी? बेटा वो कुछ बेटा वो कुछ बताइए। तो 2016 से आप लड़ाई हिंसा करवाते रहते हैं। जब हम रिपोर्ट करने जाते तो वहाँ प्रधान है ओमकार सिंह, वो हमारी कटवा देते। वो आपकी रिपोर्ट करवा देते हैं? लड़ाई करवाता है? लड़ाई करवाता है ससुर। तो वो आपकी अपने ससुर से लड़ाई है? हाँ लड़ाई ना ससुर अपने, जैसे मतलब एक लड़का को भेजा हमारे घर। हाँ हम रहे, मेरी लड़की थी। आपके पति कहाँ काम करते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो वही आएंगे सीओ साहब बैठक होकर मैं बैठ के इनको देखेंगे, और इनका जो है बीच में अगर पारिवारिक वो है तो इसमें जो व्यवस्था बनाए, अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई हो जाए और बैठ के समाधान करा दे। आज जनपद हरदोई का वार्षिक मुआयना हमारे द्वारा संपादित किया जा रहा है, और इस दौरान पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिसेस, अकाउंट सेक्शंस, हेड ऑफिसेस, इनका परीक्षण किया गया है, इनके कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई है, और कल जो है 2 थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ आज हरदोई के सभी थानों में जो महिला सुरक्षा समितियों का मिशन शक्ति अभियान के तहत गठन किया गया था, उनकी आज बैठक करके उनके साथ वार्तालाप किया गया है। उनके अनुभवों को उन्होंने बड़े बेबाकी से हमारे साथ साझा किया है, हमारे से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उस पर भी चर्चा हुई है। इस मिशन शक्ति कक्ष और महिला सुरक्षा समिति के गठन के प्रति शासन की क्या मंशा थी, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, इससे भी उनको अवगत कराया गया है। आशा करते हैं कि महिला सुरक्षा की दिशा में हरदोई में सार्थक कदम अब उठाए जाएंगे। क्या निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा और कुछ भी महिलाओं की तरफ से क्या टिप्स हैं जो उनको माने जाएंगे? कुछ जो उनकी समस्याओं के समाधान हुए थे उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, और कुछ समस्याएं ऐसी भी थीं जो प्रशासन से संबंधित थी, लोकल बॉडीज से संबंधित थी, उसका भी निराकरण इस मिशन शक्ति कक्ष में महिला बीट अधिकारियों द्वारा कराया गया है, जिस पर उन्होंने हमें धन्यवाद ज्ञापित किया है। कुछ जगहों से ये मांग उठी है कि इस बैठक को थोड़ा सा और बृहद स्वरूप देने की ज़रूरत है, और गाँवों में संपर्क के दौरान भी महिला सुरक्षा समिति के सदस्यों को साथ में जाकर और उनके द्वारा भी इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जाए, पहचान दी जा सके, इसकी भी मांग उठी है, और नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाए। अपराध नियंत्रण के लिए क्या अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? इस दिशा में हाल के समय में कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन उनका अनावरण भी हुआ है। घटनाएं ना हो पाए, रिएक्टिव पुलिसिंग की बजाय अब हमको प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा। हरदोई जनपद की सीमाएं बहुत सारे अन्य डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं। एक्सेस कंट्रोल हमारा जो है बाइकर्स गैंग की रोकथाम करने के लिए, जो घुमंतू जाति के लोग आकर अपराध कारित कर जाते हैं, उसकी रोकथाम करने के लिए एक्सेस कंट्रोल हमको अपना बॉर्डर पर और शहर के उसमें नाकाबंदी प्लान के जरिए कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो हमारे पिछले 5 वर्षों में इस तरह के प्रॉपर्टी संबंधी अपराधों में अपराधी जेल गए हों, गैंगस्टर्स में गए हों, अन्य अपराध कारित किए हों, उनकी भी एक निगरानी किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यदि वो बाहर आए हुए हों तो इस समय किस व्यवसाय वृत्ति में लिप्त हैं, उसकी भी पड़ताल हमारे थानों द्वारा किया जाना चाहिए। मैम, साइबर अपराध ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? अब तो प्रत्येक थाने में, प्रत्येक जनपद में साइबर हेल्प डेस्क बनाए जाने के डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, इसका गठन किया जा रहा है। सर्वाधिक इस दिशा में हमें अपने पुलिस वालों को ट्रेन करने की आवश्यकता है, जिस पर ट्रेनिंग का विशेष प्रोग्राम हाल के दिनों में चलाया गया था, इसको आगे भी निरंतर चलाया जाएगा। साइबर अवेयरनेस क्रिएट किए जाने की ज़रूरत है। कई बार पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो किस किस्म का फ्रॉड हुआ है, इसलिए चीज़ों को हमें ही पूरा करना होगा। सही बात है, पुरुषों को हमें सुधारना है। आज पुरुष ये काम कर रहा है तो थोड़ी सी कमियाँ ऐसे महिलाओं की भी है, क्योंकि अगर पुरुष सर पे आ रहे हैं, कोई पड़ोस का रोक रहा है, तो वो खुद की घर की महिला ये खोल रही है कि मुझे वैसा मामला है, तो इसमें आप इंटरफेयर ना करिए। इसके लिए मामला बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है। स्वाभाविक नहीं, ये हक किसी का हमसे व्यवहारिक रिश्ता हुआ हो तो ये हक उसको स्वतः नहीं मिलता है कि वो हमारी पिटाई कर दे, है ना। जिस दिन महिलाएं खड़े होंगी, सबसे पहला कदम ये उठाएंगी, अपने मन में ये ठान लेंगी कि ये स्वाभाविक स्थिति नहीं।
जातिगत टिप्पणियाँ चल रही हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस पर कानून में बहुत कड़ी धाराएं हैं, उनके तहत हम लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। सोशल मीडिया सेल को निर्देश किया जाता है कि वो इस तरह की चीज़ों को पता करके और जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई अमल में लाए। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या निर्देश हैं अधिकारियों को आपकी तरफ? अभी समीक्षा किया जाना बाकी है, लेकिन जो अभी निर्देश दिए गए हैं वो यही है। सबसे पहले हमको अपनी पहल मजबूत बनानी है, महिलाओं को थाने में आने में संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमको अपनी क्राइम मैपिंग करके ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हांकन किया जाना चाहिए, कहाँ पर इस तरह के अपराध ज़्यादा कारित किए जाते हैं, और उसकी कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। हमें अपने गश्तों का, हमें अपने बाइक पेट्रोलिंग की जो रूट चार्ट है उसको रीअरेंज किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कॉलेजेस खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो इस दिशा में PRVs और अन्य मोबाइलों की रूट चार्टिंग किए जाने की भी ज़रूरत है। अच्छा, अधिकतर थानों में फ़ोन नहीं उठते हैं, ये समस्या हो, अगर स्पेसिफिक समस्या हो तो आप बताएं, उस पर हम उस पर सख्त कार्रवाई करें। किसी भी थानेदार का, किसी भी पुलिस अधिकारी का ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा सभी फोनों को अटेंड किया जाए, पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण कराया जाए। मैम, लेन देन के मामलों में अधिकतर पुलिस अधिकारियों के पास फरियादी चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी FIR नहीं दर्ज होती है, किसके संबंध में? जैसे कि लेन देन के कोई मामले होते हैं, पैसों के मामले। अगर कोई स्पेसिफिक मामला हो तो आप हमारे संज्ञान में लाएं, हम देखेंगे कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वरना तो इस तरह के संबंध में बहुत सरल है, आप छानबीन करके मुकदमा दर्ज करिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। ठीक। सर्विसिंग के बाद कितने? ठीक, आई डाउट।